हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिस चैनल गोलू भाई व्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से भाई हम भी एकदम मस्त हैं। तो अपनी लोकेशन है भाई नौगाम चौक, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये रहा प्रॉपर नौगाम चौक है। काफ़ी ज़्यादा महिंद्रा का शोरूम भी, होंडा का भी शोरूम है यहाँ पे। तो यहाँ पे रुका हुआ था, यहीं पे सोया हुआ था रात को। तो अब सोच रहा हूँ, अभी टाइम जो 6:30 हो रहे हैं, क्योंकि 7-7:30 बजे के करीब जो ट्रांसपोर्ट भी खुलेगी तो निकलता है गाइस यहाँ से अभी, है ना। तो चाय वगैरह जो वहीं ट्रांसपोर्ट के बाद जाके पिएंगे। सूरज भी भाई निकलने वाला है और हम अभी जो है तो पंथा चौक पहुँचने वाले हैं, जहाँ से हमें लेना है राइट। रोड भी काफ़ी बढ़िया है और यहाँ पे जो है डॉग वगैरह जो है ना काफ़ी ज़्यादा है रोड पे। अभी देख रहे हैं इंसान कम है, डॉग ज़्यादा है। चल रहे हैं भाई अवंतीपुरा बाईपास से, यहाँ से जो काजीगुंड है वो 40 किलोमीटर है भाई। यहाँ पे देख रहे हो फौजी जो है सुबह सुबह रोड पे आ जाते हैं। देख रहे हो यहाँ पे हर तरफ आपको फौजी देखने को मिलेंगे सुबह सुबह। अगर आप बीच रोड में सोए हो तो जगाने भी वही आ जाएंगे भाई सुबह सुबह ही 5-6 बजे के करीब करीब। तो यहाँ से मुझे थोड़ा ये अब संगम तक जाना है, मुझे संगम में ट्रांसपोर्ट है। अब ट्रांसपोर्ट वाले को पूछेंगे क्या सीन है ट्रांसपोर्ट का, माल वगैरह का, ट्रांसपोर्ट का नहीं माल वगैरह का। उसके बाद देखते हैं अगला प्रोसेस। अभी तो चाय वगैरह भी नहीं पी है भाई, चाय वगैरह पियेंगे हम वहीं पर जाके ढाबे पर चाय वगैरह पियेंगे। मौसम भी कुछ आज ठंडा ही है, न जाने क्यों फिर ठंडा ही मौसम है, कुछ धुंध ही धुंध है, मतलब बादल छाए हुए हैं। तो अभी सीन ऐसे है ना, अपने का पहुंच गया टूल के पास, टूल गेट यहाँ से रह गया भाई 400 मीटर की दूरी पे। टूल के साथ में आगे जो है तो संगम नाम पड़ता है जगह का। आगे भाई ट्रांसपोर्ट पे भी अपना पार्क कर दिया रोड से नीचे, बाहर से रोड जा रहा है। अब ऐसा करेंगे चाय वगैरह तो पिया नहीं, लेकिन ढाबे भी कोई पास में नहीं है, या तो अपने बनाते हैं फिर या तो ढाबे भी पियेंगे। तो ट्रांसपोर्ट वाला भी अभी तक आया नहीं है, तो बस वो भी आने वाले होंगे। तो उसके बाद खोलेंगे रास्ता दरबार, अगर माल का रेट कोई अच्छा वगैरह हुआ तो, अगर नहीं हुआ अच्छा फिर किस लिए खोलना है रास्ता दरबार। तो वही बैठे हुए ट्रांसपोर्ट में अभी तक जो है अपना लोड, एक टायर पंचर था, टायर वगैरह बनवा लिया। साथ में 15 अगस्त की जो है तो रैली वगैरह भी निकल रही है आज, डेट तो अभी 15 अगस्त जो है तो होने वाला है। लेकिन ये देख रहे हो बच्चे कैसे रोडों पे चल रहे हैं। काफ़ी बड़ी जो है रैली, काफ़ी स्टूडेंट वगैरह जो हैं, कोच वगैरह जो है तो सभी 15 अगस्त की जो है तो तैयारियां वगैरह करते हैं। और हमारे जो ट्रांसपोर्टर वगैरह हैं तो वो ट्रांसपोर्ट जो है ट्राई का ट्रांसपोर्ट है भाई, वो वहीं पे पीछे। तो सोच रहा था वाश वगैरह करवाने के लिए, वाश वगैरह तो करवाई नहीं मैंने, तो यहाँ पर है सर्विस स्टेशन, माल वगैरह बनेगा तो करवाएंगे। ये हमारे ट्रांसपोर्टर जी है जनाब, माल का बना बंदोबस्त बनेगा, बनेगा कब तक बनेगा? अभी आधे घंटे यहाँ पे जरूर आया करो, संगम में टाइगर ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे इनका कांटेक्ट नंबर भी मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर माल वगैरह लोड करना हो यहाँ से पूरे ऑल इंडिया का माल निकलता है। माल वगैरह तो भाई बन रहा था झारखंड का, स्टोर का माल था, लेकिन भाड़ा दे रहा था यार 95,000 दे रहे थे, 1 लाख मांगा नहीं बना भाड़ा। तो इससे मैं निकल आया फिर इसलिए, क्योंकि कानवाई भी छोड़ी हुई थी। अब यहाँ से जाते हैं जम्मू, जम्मू से देखते हैं भाई आगे का सीन कहाँ जाना है, या देखते हैं हिमाचल ही जाएंगे भाई। हिमाचल का भी भाई वीडियो में ज़रूर बताना कि हिमाचल जो नारकंडा से है भाई, कोई ड्राइवर भाई या कोई ट्रांसपोर्टर भाई अगर वीडियो देखता है तो बताना रेट वेट क्या चल रहा है आजकल, ठीक है ना भाई। बाकी निकल चुका हूँ अब मैं यहाँ से संगम बाईपास से अपना, तो अभी कानवाई को भी छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो है आर्मी कानवाई आ रही होगी तो गाड़ियों को रोक लिया हुआ है। बाकी आइसक्रीम वाला भाई मिल गया, आइसक्रीम भी ले रहे हैं क्योंकि गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा है ना। आइसक्रीम ले आए भाई अपनी डेयरी टॉप, लोकल आइसक्रीम है,
गर्मी भी काफी ज्यादा और व्यू चेक कर रहे हो ना भाई। कान भाई को छोड़ो हुआ भाई, लेकिन हाईवे पे ना जो है अभी काफी ज्यादा जाम है। तो अभी हम जयहीपुरा से जा रहे हैं, ये काजीगुंडा सिटी में रास्ता निकलता है, देखते हैं यहाँ से भी ना रोको क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गाड़ी है जो यहाँ से भी जाती है, रात के टाइम जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो दिन को चलेंगे। काफ़ी मुसीबत करने के बाद भाई, गांव-गांव से आने के बाद जो अभी हम काजीगुंड बाईपास पे चढ़ गए भाई। यहाँ से तो गाड़ियाँ छोड़ी हुई है, ओ नहीं यार, आगे भी जाम लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जो है जाम लगा हुआ भाई, सिंगल लाइन जाना, फिर क्या सीन है, ये कान भाई को रोक दिया या चल रही है, अब देखते हैं जो भी सीन रहेगा। पहुंच गए भाई काजीगुंड नाके पे, आगे तो सिंगल लाइन हो जाती है, यहाँ से देख रहे हो डबल डबल लाइन लगी हुई है। बाकी पीछे अपने साथ पंकू भी है, आपको तो पता ही होगा पंकू कौन है, पंकू भी उस्ताद है, कंटेनर चलाता है, दिल्ली से चलता है भाई, पंकू भाई जो है दिल्ली से चलता है कश्मीर, पक्का महीने के लगा लेते हैं भैया 10 चक्कर, हमें तो 5 चक्कर भी नहीं लगते क्योंकि कंटेनर गाड़ियों को ना बहुत कम रोकते हैं, और ये जो लोड कैरियर है इनको तो रोकते ही रोकते हैं, 10-10 दिन का एक चक्कर लगता है। काफ़ी ज़्यादा जो है जाम लगा हुआ है, पसीना देख रहे हो ना कितना है, और पंकू भाई ने खाना बनाया हुआ है, पुलाव बनाया हुआ है, तो पुलाव ही खाएंगे भाई, भूख भी जो है तो काफ़ी लगी हुई है। टाइम दिन के 4 बज रहे हैं, सुबह तो चाय वगैरह पिया था और हल्का सा ब्रेकफास्ट भी किया था, परौंठे खाए थे, आलू परौंठे, तो उसके बाद तो दिन को खाना नहीं खाया, भूख तो लगती है फिर है ना। अकेले बंदे को भी ना जो आलस है ना काफ़ी ज़्यादा रहता है आलस है, इसीलिए जो है तो खाना वगैरह नहीं बनाया मैंने, तो गाड़ियाँ चल पड़ी फिर से हल्की हल्की चल रही है भाई। पहुँचने ही वाले हैं भाई टोल के पास, काफ़ी जाम लगा रहा भाई, काफ़ी देर तक जो है लाइन में खड़ा रहना पड़ा। अपने आगे जा रही है भाई टाटा में, लेकिन इसमें देख रहे हो मतलब वर्कर कितने ज़्यादा काम करने वाले, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ से ओल्ड रोड है भाई, ये लोअर मुंडा से होके जाता है, शैतानी नाला जो है टंडल से होते हुए जाता है, वो जो सामने से रोड दिख रहा है। तो भाई टंडल को भी क्रॉस कर दिया, नीचे देख रहे हो कितना बड़ा घोड़ा है भाई, इस पे ना जाने क्या जा रहा है फिर। बाकी ये रहा टंडल को क्रॉस करते ही ये फ्लाई ओवर आता है, उसके बाद आएगा भनाल वाला टूल, लेकिन यार इस रोड से ना जाम जो है ना काफ़ी रहता है भाई, देखना नीचे इतना जाम होगा ना, इतना जाम होगा ना रेलवे के पास में, कोई हिसाब नहीं, वो देखो नीचे देख रहे हो क्या ज़बरदस्त है, लेकिन जाम भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो भाई यहीं पे अभी काफ़ी ज़्यादा जो है जाम लगा हुआ है, देख सकते हो आप यहाँ से गाड़ियाँ जो है 14 चक्का गाड़ी अपना गाड़ी को यहाँ पे खड़ा किया हुआ है। बाकी पंकुल जी अपने मिल गए थे, पंकुल जी क्या हाल है? बस ठीक है, आप सुनाओ? बस बढ़िया, पंकुल की गाड़ी भाई पीछे कंटेनर चलाते भाई, आपको बताया हुआ था, पानी वगैरह भरने जा रहे हैं भाई अब यहाँ से, तो पानी यहीं साथ में चश्मे है, तो हमने सोचा थोड़ा जाम वगैरह कम हो जाएगा तो उसके बाद जो है तो निकलेंगे यहाँ से। बाकी आप अभी व्यू चेक कर सकते हो, क्या जबरदस्त सीन है। आगे भाई पानी के पास, तो पानी यहाँ पे जो है कम कम चल रहा है, बाकी जाम भी जो है काफ़ी लगा हुआ है। अपनी गाड़ी तो वहाँ पे है आगे, वो अगली वाली लाइट के पास है। पंकुल जी भी कुछ अपनी मस्ती में बैठे, क्या ढूंढ रहे हो आज आप? कुछ नहीं रहा, क्या ढूंढेंगे, कुछ नहीं ढूंढ रहे हैं। तो अभी पानी वगैरह भर लेंगे यहाँ से, उसके बाद खाना वगैरह बनाएंगे। बाकी पंकुल भाई का भी कोई दोस्त आ रहा है अभी, खाना करेंगे वेट, उसका वेट करेंगे, पानी भरेंगे फिर चलेंगे, तब तक जाम भी जो है तो कम हो जाएगा। तो भाई पानी वगैरह भर लिया हुआ था, तो जाम अभी लगा हुआ है जाम है ना, और अभी तो हमने सोचा चावल बनाएंगे और बनाएंगे मसूर की दाल वगैरह, ये रही दाल, ये टमाटर प्याज काटा हुआ पंकुल भाई ने, पंकुल भाई भी बैठे हुए हैं, तो बाकी अब खाना वगैरह बनाते हैं उसके बाद निकलेंगे भाई यहाँ से, खाना खाने के बाद है पंकुल भाई, खाना खाने के बाद निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, खाना खाने के बाद निकलेंगे, अभी जाम बहुत है। तो भाई बैठे हुए थे यहाँ पे, भाई मिल गए, भाई कैसे हो? बस भाई बढ़िया, आप सुनाओ? ठीक हो? गाड़ी लेकर ही यार मैं जा रहा हूं। भाई को बाइक और फॉलो करो, कार्रवाई छोड़ दी यार। बाय बाय बाय। भाई का गाड़ी था भाई 10 चक्का, भाई भी जल्दी में निकल गया। बाकी अभी तक भी लाइन लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा जो है लाइन लगी हुई है, देख रहे हो डबल डबल लाइन लगी हुई है। बाकी हम बैठे हुए हैं अपनी गाड़ी में, भाई भी बैठे हुए थे, भाई की गाड़ियाँ यहाँ पे, ये कंटेनर वगैरह है, दिल्ली से ही कश्मीर चलते हैं। बाकी जो अमरनाथ यात्रा है तो वो अभी लंगर वगैरह जो है तो लंगर वापस जाते हैं, क्योंकि अब जो है ना अमरनाथ यात्रा का जो है टाइम वगैरह जो है ख़त्म हो चुका है। बाकी खाना भी अपना रेडी हो चुका है, अब चलेंगे गाड़ी में, पंकुल भाई से पूछेंगे खाना वगैरह, पूछेंगे उनको खाना बन गया नहीं बना, तो फिलहाल तो अब जा रहे हैं यहाँ से। हाँ पंकू भाई खाना बन गया? खाना बस तैयार है, 5 मिनट लगी कस्तूरी मेथी कहाँ पे इधर ही आ गए।
खाना वगैरह खा के भाई निकल चुके थे वहां से। यहीं पे यार कहां से निकलना था, इतना दूर भी नहीं था। अभी 1 किलोमीटर आए हम वहां से जहां पे हम रुके हुए थे, लेकिन अभी हम बनाल से पीछे हैं। यहां का नाम है बनाल रेलवे। यहां पे जो है तो अपना क्या कहते हैं तो रेलवे, यहां से ट्रेन जो है कश्मीर की तरफ चलती है। ऊपर से आपको अभी तो अंधेरा हो गया, क्वार्टर वगैरह जो है रेलवे के काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे जो है ढाबे भी जो है काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। बाकी जाम जो है काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। पीछे भी अपने पंकुल भाई चल रहे हैं, बाकी भी 2 कंटेनर हो रहे हैं वो भी चल रहे हैं। भाई भाई साहब आ भी है, सब ने साथ में मिल के खाना खाया, बहुत अच्छा लगा भाई। साथ में खाना खाने से ना काफ़ी मज़ा आता है, वो मज़ा अकेले में नहीं आता है। जो 10 बंदों में खाना खाने से आता है ना, वो मज़ा जो है अकेले में नहीं आता है ना। बाकी चल रहे हैं, देखो कौन सी स्पीड से गाड़ी चल रही है अपनी, बिल्कुल लिमिटेड स्पीड से, 0 की स्पीड से भाई। तो भाई रात के बज चुके हैं अभी 12:30, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो पंथाल में कितना जाम है। आपको तो पता ही होगा, पंथाल के बारे में सुना ही होगा। बाकी लाइन वो सामने से देख रहे हो ना, लाइट जो दिख रही है वो सब गाड़ियों की लाइन है भाई। छोटी गाड़ी वाले तो चलो ओवरटेक कर रहे हैं, बाकी अभी ट्रक वाला जो है कोई भी ओवरटेक नहीं कर रहा है, बस लाइन में रुके हुए हैं, गाने लगाए हुए हैं भाई, सुन रहे गाने, क्या करेंगे। रात के बज गए भाई 2, तो अभी हम पहुंच गए डिगडोल में, तो काफ़ी जाम था रास्ते में, तो सोचा यार इधर ही सो जाते हैं 2-3 घंटे, 4-5 बजे के करीब जो है यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि जाम भी जो है ना रास्ते में अभी काफ़ी ज़्यादा जाम है। तो आई होप आज की वीडियो सब भाइयों को पसंद आई होगी, मिलते हैं कहना तरह वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अपने साथ है पंकुल भाई, पंकुल भाई पी रहे पानी क्योंकि जो गर्मी है काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो रही है गर्मी गाड़ी, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है ना, इसीलिए ऐसा सब है ना। तो मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग में, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अगर बुरी लगी हो फिर भी कमेंट में जरूर बताया करो कि वीडियो कैसी लगती है भाई। टेक केयर, बाकी टाइम टेबल कोई नहीं रहा अपना इसका वीडियो डालने का, क्योंकि अकेले बंदा रहता है ना, तो फिर वो आपको पता अपने काम में बिजी रहता है। और एक भाई का कमेंट आया हुआ था कि भाई आपके जम्मू कश्मीर में पुलिस वाले जो है बहुत पैसे लेते हैं बाहर की गाड़ियों से। भाई ऐसा सीन जो है ना हर जगह में, अभी जेके नंबर का गाड़ी बाहर जाएगा ना, बाहर उसको लूटेंगे भाई। देखो सच्चाई बताऊँ ना, लूटेंगे उसको। अब देख रहा मैं जब बाहर जाऊँगा ना एप्पल भर के, तो मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे लूट रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे उतना जुल्म नहीं कर रहे हैं जितना बाहर में जुल्म किया जाता है मेरे हिसाब से ड्राइवरों के साथ। मतलब कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप पंजाब में चला जाओ, वहाँ पे MH का गाड़ी, MP का गाड़ी, TN का गाड़ी, केरला का गाड़ी, कहीं का भी गाड़ी होगा जुल्म होगा, JK का गाड़ी जुल्म होगा, ठीक है। तो ऐसा सीन जो है सब जगह चलता रहता है, इसीलिए ये YouTube चैनल बनाए हुए हम लोगों ने कि ये रिश्वतें वगैरह बंद हो और एक ट्रक लाइफ प्रमोट हो। तो आई होप कि ये इतनी छोटी सी लाइन जो है तो समझ आई होगी। बाय बाय।